हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और कल हम लोगों को पार्टी में इतना मज़ा आया। आते आते 4 बज गए थे, हम लोगों को 4 बज गए थे, मम्मी मुझे और मिस्ट्री मैन को, बच्चों को मैंने थोड़ा जल्दी किया, 2 बजे आ गए थे। बट बहुत मज़ा आया, फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर हो गया और बड़े टाइम बाद ऐसी एक होता ना रीयूनियन हुई हम सब की, क्योंकि कोई ओकेजन होता है यार तभी मिल पाते हैं। सब अपने अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं ना कि ये जो दिन त्योहारों का टाइम होता है ना तभी बंदा टाइम निकालता है और इकट्ठे होता है ना, तो बहुत बहुत मज़ा आया। तो आज का दिन भी शुरुआत करते हैं, दिवाली वाइब्स आ रही हैं फुल और घर के लिए तैयारी भी करनी है। डेकोरेशन का सामान आज लाती हूँ, कल लाती हूँ, देखूँगी कैसे करते हैं। और आज आने वाले हैं कोई स्पेशल, भी बताऊँगी कौन आ रहा है स्पेशली मिलने। आप लोगों को मिलवाऊँगी भी, ब्लॉग बनाऊँगी तभी दिखाऊँगी। बने रहिए ब्लॉग को, देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। हैप्पी छोटी दिवाली शौरू, गुड मॉर्निंग। कल मजा आया? मजा आया ना? बहुत मजा आया था। सनू, हैप्पी छोटी दिवाली। अभी सब आपको अच्छे गेटअप में मिलेंगे। मम्मी या मम्मी फर्स्ट क्लास, सुबह छोटी दिवाली, वेरी गुड, मुबारक हो, मुबारक। लेट आया मम्मी का। हाँ जी, जिम जा रहे हो? जिम बॉय, चलो। और कल मजा आया, लगा ना अच्छा कि वापस आ गए, वेरी गुड। और तू प्यारा, पता है सफर करके आया था ना, थक गया था। हाँ चल मेरा बेटा, फटाफट जल्दी आना है। और वो गेस्ट भी आ रहे हैं, पता है ना आपको। एक दिन रात को दिवाली पार्टी करने के बाद इस बच्चे की हालत ये देख लीजिए, ये बेडशीट चेंज करनी है पर ये करने नहीं दे रहा। आज मज़े की बात यह है कि कुछ खाने में नहीं बनाना मुझे, क्योंकि बुआ ने इतना कुछ भेज दिया, दीदी ने इतना कुछ भेज दिया खाने में, राजमा। पता क्या, एक्चुअली कल बंदों ने, ज़्यादा लोगों ने आना था, बट काफ़ी लोगों का तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया एंड टाइम पे। रीशु आया, बच्चे लेके नहीं आया, तो खाना वो नाना करते ना कम, जो पनीर कह रही थी कम रह जाएगा, वो पनीर इतना बच गया, तो वो दीदी ने सब पैक करके दे दिया, तो वही पड़ा, तो वही खाएंगे। सोयाबीन भी कल बनाई थी दीदी के घर, भी मैं लेके गई मिसी, मैंने बोला था मैं तो प्रोटीन ज़रूर खाऊंगा, और वो कुछ नहीं खा पाए, वो याद ही नहीं रहा उनको सोयाबीन फ्रिज में, दीदी ने वापस भेज दी, अरे हमारे घर कोई नहीं खाता। तो ये चीज़ हुई है। तो आज खाने में देखते हैं, आलू गोभी शौरू के लिए भेजी है, सबकी जो जो पसंद की चीज़ें थी दीदी ने सब पैक कर दी, खीर वीर सब। खीर, मैं खीर कम खाती हूँ, मतलब कल मैंने आइसक्रीम खा ली थी। और एंडिंग के बाद इन लोगों ने वो क्या कहते हैं पंजा वंजा भी लड़ाया, पर एंडिंग ये था कि एंडिंग ले लो। मेरे को लगा कुणाल कहीं जल्दी चला जाए वापस यार, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही बैठे हुए थे। मैंने कहा वो बच्चे जब जा रहे थे, तनिष को नींद आई हुई थी, तो ये था। शौरू आप सो क्यों रहे हो, उठोगे कब? सर कितने बजे आएंगे? तो ये उठना थोड़ी है, मैं तो 4 बजे सो के, आप सोचो मैं 4 बजे लेटी एकदम से, थोड़ी नींद आई होगी। 8-8:15 बजे हमारा स्वीपर आ गया था, तो फिर मुझे तो दरवाज़ा खोलना ही था। बड़े लोगों को तो बेलें खोलनी होती है ना, इन बच्चों को क्या है, ये तो कहते हैं बेल बज रही है बजती रहने दो, कोई बात नहीं। फुल ऑन दिवाली भाई, मुक्ति ने चेंज कर दी बेडशीट, और ये पता बेडशीट मुझे कब दी, किसने दी मुक्ति? ये दी मुझे ओए गुरदीप ने दी थी, पता है, और 6 साल हो गए इसको और मैंने संभाली हुई थी। थैंक यू गुरदीप, बहुत बहुत सुंदर बेडशीट है। और अभी बैठे बैठे एक चीज़ याद आई, आप लोगों से डिस्कस हुई है, शौर्य मैंने उसी पापड़ी चाट बनाई थी ना तानी चौधरी के लिए, उनका ग्रुप 2nd आया है, पता है, वो इतनी खुश है, उन्होंने पापड़ी भी घर में बनाई थी। और एक कॉन्ग्रेचुलेशन तानी, और 2 दिन लेट हो गई मैं तुम्हें विश करने में, बट मैंने कमेंट में तो कर दिया था, बट मैं बाकी सबको बता रही हूँ कि उसने बोला और उसने कह रही हमने पापड़ी भी ना घर में बना ली थी, जैसे मैंने तो मार्केट से लेके बनाई थी ना, बट बहुत अच्छा लगा। और जो जो मुझे आएगा मैं पक्का शेयर करूँगी, जो जो मुझे आता है जिसकी रेसिपी मैं दे पाऊंगी तो पर बहुत खुश हो, अच्छा लगा मुझे। मैं एक्चुअली आज वापस से कमेंट दोबारा से पढ़ रही थी, मैं देखती हूँ उसमें नए रिस्पांस क्या आए हैं, तो तब देखा मैंने कहा यार इसका तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया। जिम बॉय इज बैक फ्रॉम जिम, और कैसा था आज? थकावट हुई? थकावट, और रात को हम कितने 4 बजे आए हम लोग, तो अच्छा किया ना देखो जल्दी भेज दिया मैंने, मैंने कहा कम से कम जाके रिलैक्स हो जाता है, सुबह उठना, अभी नींद मेरी पूरी नहीं हुई है। और सुन, हिमांश राणा जी ने पूछा, अननोन गाय जिनका वो अकाउंट है, उन्होंने पूछा एडिटिंग कैसे करते हो, मैं पहले रिप्लाई करूंगा मुझे क्या इतनी नॉलेज है, तू बता कैसे करते हो? कैसे मतलब कंप्यूटर पे ऐप बता दे ना, प्रीमियर प्रो, और कभी कभी जैसे हम बाहर, जैसे हम मसूरी गए थे घूमने, तो ये आई मूवी जो है आईफोन के लिए होती है, तो फोन में उसी से कर लेता हूँ जब अगर हम कहीं बाहर होते हैं। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। क्रेजी फैम, यहाँ पे ना मैं तनिष को क्या बच्चों को गिफ्ट देना था, लड़को सना आइज आंखें अच्छे से बंद कर, अभी मैं इसके सामने एक चीज देने वाली, कह रहा कल नहीं आज, तनिष मत कर, राजे तनिष मत कर। 3, 2, 1 गो, टान टान, पकड़ ना, ये मैंने मंगवाई अपनी चॉइस से, सीखे।
अभी कल के मंगाई तने, मतलब मैंने वैसे मंगवाई है अच्छे से अपने प्यारी। हैप्पी हैप्पी दिवाली। हाँ दिवाली के गिफ्ट आ, सुन इस बारी मजे की बात, तुम तीनों लड़कों के लिए आ गए और ये रह गई बस खुशी के लिए, बाकी स्मार्ट है ये ऐसी होती है। आए, मेरा बच्चा और उसको कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, दानिश को अभी नहीं दिखाऊंगी बट अच्छा, पर लुक रिवील हो जाती है, पर उसको तारीफ पीछे से बोल दे और ये मेरी चॉइस के ना इनको लगता है, बट मेरे को सरप्राइज देना ही अच्छा लगता है, मैंने कहा था नहीं होगा तो चेंज करा दूंगी, बट अच्छा लग रहा है उसको, स्ट्रेट फिट जीन्स आई है बहुत बढ़िया। शौर्य के सर जाते हैं तो फिर शौर्य को भी गिफ्ट देती हूँ, कुणाल का भी है, कुणाल को कल दूंगी, कल दिवाली वाले दिन से मुझे ये था कि एक्चुअली ये चेक कर ले भैया दूज पे पहनेगा उसको, एक टी शर्ट थोड़ी सी लूज है बट वो कह रहा है उसका टारगेट बनाऊंगा 6 महीने में उतना हो जाऊंगा, क्योंकि बल्क कर रहा है तो ये एक होता है ना बल्कि थोड़ा सा तो हो ही जाएगा, फर्क पड़ता है। और शौर्य को भी देती हूँ, उसको पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा है, तनिष का तो मैं सेटिस्फाइड होगी क्योंकि उसको बहुत पसंद आया। और सना कहीं जाने के लिए रेडी हो रही है, उसका गेटअप दिखाऊंगी फुल आपको, पहले मैंने सोचा था लुक रिवील नहीं करती बट दिखाऊंगी अभी। और वो जा रही है अपने फ्रेंड के दिवाली पार्टी पे, उसके इसके फ्रेंड के घर है दिवाली पार्टी, सारे फ्रेंड जा रहे हैं और खुश है बड़ी, और मैं भी बड़ी हिम्मत करके भेजूँ, मैं वैसे ऐसे भेजती नहीं हूँ बट वो ये सारे बचपन के दोस्त सब जा रहे हैं साथ में तो जाएगी और लेने मैं जाऊँगी, अभी तो राजेश भैया छोड़ाएंगे। और जिनकी वेट कर रहे थे ना वो, अच्छा जिनकी वेट क्या करते अब तो बता देती हूँ, वो रास्ते में है तो मैं आपको बताती हूँ कौन आ रहे हैं। वो आपको याद है वो भैया भाभी हमें मिले थे वैष्णो देवी जाते हुए, तो उन भाभी के साथ अभी भी हम टच में हैं, भैया भाभी के साथ मतलब एक होता है ना कनेक्शन बन गया उनको लोगों के साथ। तो भाभी जो उनका बेटा है उसका नाम भी तनिष था, जब मैंने वो ब्लॉग में बताया भी था, तो वो उनका ना बेटा जो है हॉस्टल में पढ़ता है, दिवाली पे आया होगा, तो भाभी चाहती थी कि बच्चे आपस में मिल लें, तो उनका मेरे पास मैसेज आया था कि तनिष आएगा ना, तो मैं तनिष क्योंकि वो तनिष वो वाला तनिष थर्ड को चला जाएगा वापस दिवाली के बाद, तो वो ला रही हैं उसको, बच्चों को लेके आ रही हैं, फिर बच्चों को देखते हैं कि मिलते हैं आपस में कैसे क्या रहता है, अगर वो कंफर्टेबल हुए तो क्लिप ज़रूर बनाऊंगी। तो अब मैं बस तैयारी पे लगती हूँ और मेरी सैर आज फिर नहीं हुई, सिर्फ दुख रहा था, एक घंटा सो भी गई थी, और शौर्य के सर चले जाते हैं फिर मिलते हैं, और सना तो मेरे ख्याल जब तक भाभी आएंगी तब तक चली जाएगी, या नहीं होगा तो मिल के ही लास्ट में जाएगी, अभी बस रेडी हो रही है, और जब लेने जाऊँगी तो मिलवाऊँगी आपको इसके बाकी फ्रेंड्स के साथ भी जिनसे मिल पाऊँगी। तो आई होप कि एंजॉय करके आए और आप सबकी भी दिवाली बहुत अच्छी जाए। अभी मैं दिए हुए कुछ नहीं लाई, आज जो है ना लास्ट ईयर के पड़े हुए वो जलाऊंगी, और बाकी कल जो है कल सुबह मॉर्निंग में मैं जाके शॉपिंग करके आती हूँ, तो बहुत एक एक्साइटमेंट से भरा हुआ त्यौहार होता है। और ये देखो ये भी तैयार होके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो आप? आप कहाँ जा रहे हो? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और ये गिफ्ट कह रहा आके देखूंगा? यस, अच्छी सी रिएक्शन दे पाऊं इसलिए। चल, और आपको लगा था कोई गिफ्ट आएगा आपके लिए? हमेशा आता है तो इस बारी भी आएगा। यौगे छोड़े, एक बारी तेरे लिए PS5 आई थी दिवाली में, वो बेस्ट दिवाली थी ना, पिछले साल की। यहाँ पे कोई हो चुका है रेडी, ओ माय गॉड प्रिंसेस, चलो हैप्पी। चलो अब वो भाभी आ रहे हैं, मिल के जाना 2 मिनट, ठीक है? चलो जी, भाभी आ चुकी है और हैप्पी दिवाली भाभी। हैप्पी दिवाली। और क्रेजी फैम, अगर यादें ताज़ा करा रही हूँ कि ये देख लो, बिल्कुल है हम बिल्कुल टच में है, उसके बाद जो प्रॉमिस किया था है ना, और हाँ फर्स्ट टाइम आए, और यार अच्छा किया आपने, आपका इनिशिएटिव है कि आप लोग दिवाली के इतने ट्रैफिक के टाइम पर। तनिष आया हुआ था, ये भाभी का तनिष, हमारा तनिष नहीं, अब तो ये भी हमारा है, और ये देखो ये प्यारी सी डॉल, और मना कर रही थी कंफर्टेबल नहीं है बट कोई बात नहीं, भाभी हमारी कंफर्टेबल है ना। और भैया क्यों नहीं आए? भैया बिजी हैं ऑफिस से काम से, दिवाली अच्छा, पार्टी में। चलो कोई नहीं, फिर हाँ फिर बनाएंगे प्रोग्राम कुछ नहीं। चलो जी, इसने कहा खा लू या आप पहले वीडियो बनाओगे, और खा के टेस्ट करके बताओ कैसी है, कैसा है? और देखो कोई नहीं आ रहा, नहीं भाभी जी वीडियो बना रहे, रुबीना ने मुझे सर्व करके दे दिया, अभी कॉफी भी पिलाएंगी थोड़ी देर, कॉफी तनिष बना रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोनों बहुत मजा आ रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ। भैया हम आपको मिस कर रहे हैं, उनको ब्लॉग दिखाना है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, दिखाएंगे उनको, बस कोई ट्रिक निकालो कि कर दो, मैं तो चाहती हूँ हो जाए रिवील, मिस्ट्री मैन देख रहे और तनिष जाके उनके साथ बैठ गए कि भैया को देते हैं, और मम्मी वो वही तो बोल रहा है, तनिष कह रहा है मैं ना अच्छी जगह बैठ गया कि अब वीडियो में नहीं आऊंगा, यार उसको खिला दे, चल चलो जी खा लो, आवाज भी आती नहीं आती, आवाज नहीं, वो चुप हो जाते हैं, तभी तो मैं इतना बोलती हूँ। यहाँ पर ना ये दोनों कॉफ़ी बना रहे हैं, तो ये तनिष भी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, अगर इसको पता चलेगा ना कैमरा ऑन है तो कम बोलेगा, कह रहे थे मैं बोलूँगा कम, ये देखो नाइस यार दो कॉफ़ी लवर्स मिल के, ये देखिए मैं चुपके से कैप्चर कर रही हूँ।
काफी ज्यादा कुछ भी नहीं करना उसमें, थोड़ा सा गर्म पानी डालो कुछ नहीं। दोनों कॉफी लवर्स मिलके कॉफी बनाएंगे हम आज। भाभी दो कॉफी लवर्स मिलके ना, मैं चुपके से क्लिप बनाई, दोनों कॉफी बना रहे हैं यार। हाँ यही, और पता है वो अभी अभी पता है वो ना कह रहा था बोलूंगा नहीं, उसको पता ही नहीं चला मैं पीछे से कैप्चर कर रही थी, और आराम से वो कंफर्टेबल होके बातें कर वहाँ बैठ के ना यहाँ वापस। क्या कर रहे हो कलाकारी? ये किसने बनाई है भैया ये बता दो पहले, दोनों में से दोनों ने बनाई है? बस आज तहलका मचने वाला है और मुक्ति देख रही है। नहीं ये क्या कर रहे हो भैया? ये तनिष, अच्छा वेरी गुड। हाँ 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 पियो पियो बोल। ओ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू बेटा, बहुत दोनों तनिष को थैंक यू। वो देखो और ये देखो आज का थंबनेल बताया से, क्या बोलो क्या रखना है थंबनेल, जल्दी बताओ। तनिष मेट तनिष, तनिष मेट तनिष, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैंने इससे पूछा कि वो रील देखी ना तुमने कि हाँ बच्चे क्यों नहीं डालते इंस्टाग्राम पे पेरेंट्स की फोटो, देखा भाभी इसलिए नहीं डालते। और तनिष, हाँ और तनिष ने क्या बोला? यही मैं आपको बोल नहीं पाया पर ये आज बोल दिया। अच्छा ठीक, मम्मी चाहते हैं मम्मी मां बाप को ऐसे एक्सपोज करें कि ना लग जाए खामा का बीमार हो ऐसा। अच्छा बहुत अच्छा रीजन दिया, वेरी गुड। और वो देखो तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और बहुत अच्छा लगा, बहुत तुम्हें, तुम लोगों को अच्छा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको तो लगा ही होगा। मैं बच्चों से पूछो, बताओ जल्दी बताओ, पक्का चेहरे बता रहे हैं? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, चुपचाप बैठे होते ऐसे। और जल्दी प्रोग्राम दोबारा बनेगा, ठीक है पक्का। और वो तंबोला खेलेंगे हम, आए यार तुम्हें एक ही बात है, पक्का बनाएंगे जैसे भी, ठीक है भैया के साथ। तनिष मजा आया आपको? वो तो यार वो तो कह रहे लगा ऐसे अपने घर में बैठो पागल। चलो आप क्या कह रहे हो, नमकीन खिला दें? बिल्कुल बिल्कुल खिलाते हैं। और मम्मी को मजा आया? मम्मी को मजा आया? आंटी जी मजा, मम्मी को तो बहुत, मम्मी और दादी की दोस्ती। हाँ अब इनकी दादी और मम्मी दोनों आएगा आपको भी, मम्मी से गप्पे मारना, मम्मी दादी अभी दादी के मम्मी को बड़ी गप्पे मारेंगी, मम्मी को बड़ी गप्पे मारेंगी ऐसे करते हैं। चलो जी चलो जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। फोटो फोटो तो क्लिक कराई नहीं भाभी, आओ फोटो कराए। यहाँ पे ना वो लोग चले गए हैं और बहुत मजा आया यार, इतने प्यारे बच्चे थे। एक होता ना इम्पैक्ट रह जाता है दिमाग में कि इतने प्यारे थे, और बच्चे इतने प्यारे थे यार। भाभी का तो नेचर मुझे पता ही था, पर उनके साथ मिलके भी मजा आया, तनिष को भी बहुत मजा आया, सना शौर्य ने मिस कर दी वो चीज़, पर कोई बात नहीं, जल्दी प्रोग्राम बनाएंगे। जब बच्चों का आपस में हो जाता ना अच्छा, तो प्रोग्राम भी जल्दी जल्दी बनते हैं, तो मजा आया। थैंक यू बच्चों आने के लिए तुम्हारा, कि तुम लोग आए। अगर ब्लॉग देखोगे तो कमेंट करना। अब जाते हैं, दिए जला लेती हूँ क्योंकि फिर सना को भी लेने जाना है। दो दिए सबसे पहले लगेंगे एंट्रेंस में, और ये दिए ना हमें हमारी कॉलोनी की तरफ से मिले हैं, मतलब जो मंदिर है ना हमारी सोसाइटी का, वहाँ से मिले हैं हमें ये। कौन से? ये हमारी सोसाइटी सारे दिए, सारे और क्या, उन्होंने सारे हर घर को दिए, मतलब मुझे अच्छा लगा ये चीज़ यार। और ये हर बार ही देते हैं, पर ये ना ब्लॉग में आ रही है तो ज़्यादा पता चल रही। ये वाले जो मिट्टी के दिए होते हैं ना, ये सगन वाले होते हैं, ये सगन इसका ज़रूर हम लोग तो करते हैं ज़रूर इसका सगन, बाकी मोम मोम वाले जो वैक्स वाले होते हैं वो तो अलग होते हैं ना। चलो रख दिया यहाँ, रख दिया यहाँ, लक्ष्मी जी को रास्ता दिखना चाहिए। और क्या दिए जला दिए हैं वो बैच वाले कर लेते हैं, ठीक है। और सना पहुंच गई है, और बहुत ट्रैफिक बहुत था, और शौरू आ चुका है बैडमिंटन मैच से, और इसने मिस कर दिया, पता वो दीदी भैया याद कर रहे थे, और इतना मजा आया इकट्ठे बैठ के। और ये जो आजकल ये जीरे वाले मच्छर, रील देखी हो चावल वाले? हाँ बच्चे के तो बहुत अच्छे लगे, बता दिखाओ ये आपकी जीन है, और इसको टी शर्ट समझ नहीं आती बता, पर तनिष को तो बहुत अच्छा लगा, वो तो पहनने वाला था आज, मैंने कहा नहीं भैया तुझे ही पहनना है। अब इसकी फिट देखियो, तनिष को तो बहुत प्यारी फिट आई है, ठीक है टी शर्ट
नहीं पहन के नहीं दिखानी अभी। अभी रह गया सिर्फ कुणाल का गिफ्ट, कुणाल को भी देते हैं, कुणाल घर जाके दिखाएगा। क्या मतलब? घर जाके दिखा दियो ना। हाँ। तो को पैक कर दिया ना बैग। पैक भी क्यों करा वैसे? इस बार सिर्फ सना का छोड़ दिया, बाकी सबका गिफ्ट मंगाया। ऐसा क्यों करा भी जा रही है सर? और इसको भी मिल चुका है गिफ्ट। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ठीक है, और जब पहनोगे तो बताना। ओके, और अच्छी लगेगी। कल ही पहन लेना। कल पहनेगा? चल कल पहन ले। सना का आ गया है कॉल, अब चलते हैं उसको लेने और लेके आते हैं और उससे भी एक्सपीरियंस पूछते हैं उसका कैसा रहा और कैसी रही उसकी पार्टी, और फिर मिलवाती हूँ आपको। चलो। तो लग रहा था रश काफी होगा, बट सिर्फ 15 मिनट का दिखा रहा है और ट्रैफिक काफी कम है। एक दिन चलो जी, आ चुके हैं बच्चे और ये हेलो कर दो भैया। ये है रोहिल। रोहिल इंट्रोवर्ट है, देखो अभी बोल रहा था नॉन स्टॉप और जैसे कैमरा ऑन हुआ है तो चुप हो गया। और ये रही हमारी सहज। हैप्पी दिवाली रोहिल। हैप्पी दिवाली क्रेजी फैम। क्रेजी फैम को हैप्पी दिवाली कर दो साथ में। हैप्पी दिवाली क्रेजी फैम। कैसी कैसी रही पार्टी? बढ़िया, बहुत अच्छी पार्टी। बढ़िया थी, मजा आया? बहुत मजा आया। चलो मजा आना चाहिए, अब चलें घर। दोनों बच्चों को कर दिया ड्रॉप और बड़ा देर, बहुत टाइम लग गया, टाइम हो गया। तो चलो, आज का शाउट आउट जाता है ओमकार बेटा को। और क्यों जाता है? क्योंकि यार बिना नागा कभी भी नहीं हुआ उसका कि कभी उसका किसी शॉट पे या कभी उसने हैशटैग मिस किया हो, कभी कुछ नहीं समझ आता। और उसको सबसे बड़ी बात पता है क्यों मेरा दिल किया कि, और इतने दिनों से ना मैं बड़ी टाइम से बोलना चाह रही थी कि उसको ना लैंग्वेज में भी, मतलब वो केरला से है तो लैंग्वेज में भी धीरे धीरे, वो कह रहा है आपके ब्लॉग्स देख देख के मैं हिंदी से बहुत अच्छे से उसको मतलब समझ पा रहा है वो। तो थैंक यू सो मच। मुझे मैं नोटिस करती हूँ डेली कि कमेंट आता है तुम्हारा। तो आज का शाउट आउट है तुम्हारा, और कभी डेली आओ तो बताना, मिलना चाहेंगे, या कभी हम केरला गए तो जरूर मिलेंगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, और हैप्पी दिवाली होने वाली है तो बस कल मिलेंगे आपसे दिवाली के साथ। चलो चलो, वी सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल, हिट प्रेस बेल आइकन। पीस।